तो गाइस आज हम कंपेयर करेंगे वो इन स्टार्टर्स को सीनो स्टार्टर से कि कौन से स्टार्टर ज्यादा बेस्ट दिखाए गए हैं एनिमे सीरीज में, जिसके लिए मैंने वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जिसके पहले राउंड में वन ऑन वन बैटल होगी अपने सेम टाइपिंग वाले अपोनेंट से जो एनिमे बेस पे होगी, यानी कि हम देखेंगे उस पोकेमॉन के मूव सेट, उसके ट्रेनर की पावर और उसकी स्किल्स, जिसमें एक्सपीरियंस और पावर पे वो ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि यही चीज पोकेमॉन एनिमे में वक्त बदल देती है, जज्बात बदल देती है। इसके बाद टीम वाले मैच होंगे जिसमें सबसे पहले टाइपिंग के डिफेंस देखे जाएंगे क्योंकि फुल्ली वॉल होने के बाद इनकी टाइपिंग में एक और टाइप ऐड हो जाती है जिसकी वजह से इनकी डिफेंस और इम्यूनिटी में बदलाव आते हैं और हो सकता है कि उनकी वीकनेस ही बढ़ जाए, तो जिसके डिफेंस ज्यादा अच्छे होंगे वो टीम जीत जाएगी। एंड फाइनली होगा उनके मूव सेट का राउंड, यानी कि ज्यादा वैरायटी वाले पोकेमॉन ज्यादा अच्छे एडवांटेज रखेंगे और सुपर इफेक्टिव रहेंगे ज्यादा टाइपिंग पे, जो ज्यादा टाइपिंग पे एडवांटेज रखेगा वो टीम जीत जाएगी। मैंने टीम बोला यानी कि अकेला पोकेमॉन कितनी अच्छी वैरायटी रखता हो, लेकिन फिर भी उसके कारण मूव से चार ही होंगे, यानी कि टीम के पास ज्यादा वैरायटी होनी चाहिए ना कि अकेले पोकेमॉन पे। तो रूल आपको क्लियर हो ही गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो वीडियो एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा कि किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बैटल होगी वन ऑन वन की, जिसमें सबसे पहली टाइपिंग से आ रहे हैं फायर टाइपिंग। फायर टाइपिंग में सीनो से बात करते हैं तो आता है इन्फर्नेप, जो एस का इन्फर्नेप दिखाया गया है, जिसके कॉम्बैट काफी कमाल के दिखाए गए हैं और इसने पोल की हाफ टीम को डिफीट कर रखा है और वोगनर की जोल्टी और लग्जरी को डिफीट कर दिया था, क्योंकि जब भी इसकी ब्लेजर एबिलिटी एक्टिवेट होती है तब ये एक अनस्टॉपेबल बीस्ट बन जाता है, जिसे अभी तक हारते हुए नहीं दिखाया गया है ब्लेजर एबिलिटी एक्टिवेट होने के बाद। और उसका अपोनेंट जो होइन से आ रहा है ब्लेजिगेन, ऐसे उनका ब्लेजिगेन बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जिसने चाइसार्ड को डिफीट कर रखा था। ये वही चार्जर्ड है जिसने लिगैली की हाफ टीम को डिफीट कर दिया था और ये चार्जिक वैली की हाफ ट्रेनिंग पूरी करके आया था, लेकिन एक टफ बैटल के बाद ये उसे डिफीट कर देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये पोकेमॉन काफी पावरफुल है और काफी स्किलफुल भी। आज का मुकाबला इन्फर्नेप से होता है तो उनकी पावर लगभग सेम ही रहेगी क्योंकि इनका एक्सपीरियंस और कॉम्बैट लगभग सेम दिखाए गए हैं और टाइपिंग भी सेम होने के कारण मुझे नहीं लगता कि इनके पावर में ज्यादा अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर तब आने लगेंगे जब बैटल लंबी चलेगी, यानी कि बैटल लंबी होते हुए इनकी एचपी डाउन होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो सकती है, जहां पर दोनों की फायर पावर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। लेकिन इन्फर्नेप के पास ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट होते जाती एनरेज फॉर्म भी आ जाती है, जिससे वो बहुत पावरफुल फिजिकल भी हो जाता है और काफी क्रूअल हो जाता है, जिससे वो मुझे लगता है कि यहाँ डिफीट कर देगा। लेकिन एनिमे में इसे पावरफुल ब्लेज गेम में दिखाए गए हैं जो मेयर के पास था, जिसके पास मेगा एवोल्यूशन की पावर भी है, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि एस का इन्फर्नेप इतना एक्सपीरियंस है पावरफुल होगा कि उसके मेगा फॉर्म को डिफीट कर सके। लेकिन पावर और एक्सपीरियंस की बात हो ही रही है तो इससे अगला इन्फर्नेप यानी कि फ्लिंट का इन्फर्नेप, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और पावर तो आपने देखी रखी होगी, जो लियोन की चार्जर्ड के इक्वली मैच कर रहा था, बल्कि लियोन का चार्जर्ड पावर में एलान के मेगा चार्जर्ड एक्स से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था। रीजन चाहे कुछ भी हो, प्लॉट आर्मर या फिर वीक दिखा रहा हो, लेकिन आपको पता लग गया होगा कि इसकी पावर लगभग मैच कर लेती है लियोन की चार्जर्ड से। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के एक्सपीरियंस में फ्लिंट का इन्फर्नेप का एक्सपीरियंस ज्यादा है और पावर थोड़ी कम हो सकती है मेगा एवोल्यूशन की वजह से, लेकिन फिर भी इसके एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी की वजह से फ्लिंट से जीत जाएगा। और वैसे भी मेयर के मेगा ब्लेजिगेन को सिर्फ पावरफुल दिखाया गया है, ना एक्सपीरियंस ना ही कोई बड़ा फिट दिया है उसने, और बैटल सिर्फ पावर से नहीं जीती जाती। तो इस तरह सिनो के फायर स्टार्टर ने अपना पहला पॉइंट हासिल कर लिया है। नेक्स्ट अपोनेंट आ रहे हैं वाटर स्टार्टर्स में से, और इनसे आ रहा है स्वैम्पर्ट, जो टक्कर के बाद देखने मिलता है, जिसके आर्गनाइन के मिलकर ये इक्वली मैच कर रहा था कोरफिस और स्वैलो को, जिनका कॉम्बिनेशन और पावर बहुत ज्यादा कमाल की दिखाई गई है एनिमे में। लेकिन टक्कर एक फ्रंटियर ब्रेन होने की वजह से ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा, और वैसे स्वैम्पर्ट को ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है एनिमे सीरीज में, गेम में ये काफी कमाल का है, लेकिन एनिमे में वॉलिस के पास दिखाया गया है जो चैंपियन था एक टाइम पे, लेकिन उसके बाद एनिमे अपीयरेंस की कमी है। और मॉरिसन की बात की जाए तो उसका स्वैम्पर्ट तो काफी वीक था, जो कोरफिस से ड्रॉ करता है, ये वही कोरफिस है जो काफी थका हुआ था। तो अगर ये स्वैम्पर्ट किसी भी तरीके से हार जाता है एम्पोलियन से तो ये पॉइंट आराम से सिनो टीम को मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और स्वैम्पर्ट हमें नहीं दिखाया गया है। तो एम्पोलियन हमें दिखाया गया है बैरी के पास, जो काफी पावरफुल तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिसेंट सा पोकेमॉन दिखाया गया है, जो गार्डेनिया और बैरोन जैसे जिम लीडर को डिफीट कर चुका है। इसके अलावा इसके अटैक भी काफी पावरफुल दिखाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा ये पिकाचू से हार जाता है और स्विफ्ट से भी काफी बैटल करने के बाद ये हार ही जाता है। बट ये पहली बार जब एस को डिफीट करता है तो उसका मुकाबला होता है एस के गिब्बल से, यानी कि इसका टाइप एडवांटेज है नहीं, फुली वॉल वो है नहीं, तो कैसे वो ज्यादा पावरफुल अपोनेंट हो सकता है। उसको डिफीट करके ये लगता है कि ये काफी पावरफुल हो चुका है। इसको एनिमे में अपीयरेंस तो काफी ज्यादा मिले हैं, लेकिन फिर भी इसको इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला है जितना कि ये कर सकता था। माना कि पोल की बैटल में इसने कमाल कर दिया था, इसका मैं फैन हो गया था उस बैटल को देख के, लेकिन फिर भी सिनो के फ्रंटियर ब्रेन यानी कि डैड से बैटल नहीं कर पाया। तो ये होइन के फ्रंटियर ब्रेन टक्कर से मुकाबला कैसे कर सकता है? वहाँ टक्कर के स्वैम्पर्ट के पास फोकस पंच जैसा मूव है जो एक सुपर इफेक्टिव इसके ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से ये इसे डिफीट कर ही देगा। यानी कि इसे पावरफुल तो दिखाया गया है, लेकिन इसे जीतते हुए कभी नहीं दिखाया गया। और यही चीज होती है कुकुई के एम्पोलियन के साथ, वो काफी अच्छी बैटल कर रहा होता है, पिकाचू को काफी पुशबैक भी करता है, लेकिन वो एक बैटल भी जीत नहीं पाता। लेकिन इन दोनों में मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि विजेता कौन होने वाला है, क्योंकि ये कुकुई का एस पोकेमॉन तो नहीं है, लेकिन कुकुई का लेवल नेक्स्ट लेवल पे है, यानी कि उसके सभी पोकेमॉन थोड़े से पावरफुल तो होंगे, और दोनों को एनिमे अपीयरेंस इतना ज्यादा नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मेरे ओपिनियन से यहाँ पर
टक्कर का स्वैंपर्ट जीत जाएगा क्योंकि उसके फोकस पंच है और प्रोटेक्ट जैसा मूव भी, और फिजिकल स्ट्रेंथ में इसका क्या हाल होता है आपको पता ही होगा। तो इस तरह होइन को भी अपना पॉइंट मिल जाता है। अब फाइनल बैटल होगी ग्रास टाइप पोकेमोन के बीच में। तो होइन से आ रहा है सेप्टाइल। ऐसा सेप्टाइल जो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जो सिर्फ लेजेंडरी पोकेमोन से हारा है जैसे कि रेजिरो, ग्लैटियोस, और इसने हराए हैं डार्कराय को और स्पीड में हराया है डिओक्सिस को। वरना इसे हारते हुए कभी नहीं दिखाया गया एनिमे सीरीज में, बल्कि इसने स्पेंसर यानी कि फ्रंटियर ब्रेन के दो पोकेमोन को डिफीट कर दिया था जिसमें क्लेडोल तो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था। तो उसका एक्सपीरियंस और एनिमे अपीयरेंस बहुत ज्यादा दिखाया गया है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन हमें भी पता है, जिसका मुकाबला एस्का टोर्टेरा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो एस्का टोर्टेरा बहुत जल्दी बाहर हो जाता है। हमारा इसकी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ क्योंकि वो जब पावरफुल अपोनेंट से लड़ा है, लेकिन उसके अपोनेंट काफी कमजोर दिखेंगे इसके अपोनेंट के आगे जिनसे ये हारा है। इवन ये पोल के टोर्टेरा को डिफीट करने का दम रखता है क्योंकि पोल के टोर्टेरा के फीट भी इतने बड़े नहीं हैं और उनका एक्सपीरियंस हम नहीं मान सकते हैं कि ज्यादा होगा क्योंकि ये होई रीजन का पूरा सफर तय कर चुका है। कैंटो फ्रंटियर का भी और सिनो रीजन में भी इसे अपीयरेंस मिली थी, लेकिन किसी भी तरीके से पोल ने अगर इसे डिफीट कर भी दिया तब भी यहाँ पर बैटल खत्म नहीं होगी। यहाँ पर सेप्टाइल एक और दिखाया गया है जो सोयर के पास दिखाया गया है, जिसकी पावर अप होने के बाद वो नेक्स्ट लेवल पहुंच सकता है यानी कि वो मेगा रोबोट भी हो सकता है, और यहाँ पोल का कोई चांस नहीं बनता है कि वो सोयर के सेप्टाइल को डिफीट कर सके। तो ये पॉइंट भी आता है होइन की ओर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले राउंड का विनर बन चुकी है होइन टीम 1-1 वाली में, और अब होगी टीम ऑन टीम बैटल जिसमें डिफेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे हर एक पोकेमोन की वीकनेस को। हर एक वीकनेस का उन्हें 2 पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, और जो पोकेमोन 4 टाइप वीक होते हैं उन्हें 4 पॉइंट माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी इन्हें कवर कर सकती है। जहां 2 पॉइंट मिलेंगे उन्हें हर एक रेजिस्टेंस के, और 4 टाइप रेजिस्टेंस के उन्हें 4 पॉइंट मिलेंगे, और इम्यूनिटी के मिलेंगे 10 पॉइंट्स क्योंकि इम्यूनिटी काफी रेयर होती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा बेटर होती है डिफेंस में। लेकिन उससे पहले जो टीम बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन पोकेमोन के नाम ले लेता हूँ। वहीं से आ रहे हैं सोयर का मेगा सेप्टाइल, मेयर का मेगा ब्लेजिगन, और टक्कर का सोमपार्ट। यानी कि डिफेंस भी हम इन्हीं का कंपेयर करेंगे और अटैक भी इन्हीं के कंपेयर होंगे। तो ये है मेगा सेप्टाइल का टाइप चार्ट, जिसमें 6 टाइप से वीक है, जिसमें एक सुपर वीक भी है, लेकिन एक रेजिस्टेंस, 2 सुपर रेजिस्टेंस और एक इम्यूनिटी के साथ इसके टोटल 8 पॉइंट होते हैं। तो ब्लेजिगन वीक है फ्लाइंग, ग्राउंड, वाटर और साइकिक टाइप से, और ये 5 टाइप से रेजिस्ट है और 1 टाइप से सुपर रेजिस्ट, तो इसके टोटल पॉइंट होते हैं 6 पॉइंट। अब बारी आती है सोमपार्ट की, जिसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है, वही सुपर वीकनेस, जिसके सिर्फ -4 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी के पॉइंट ऐड कर लिए जाए तो सिर्फ 14 पॉइंट मिलते हैं। तो इस टीम का टोटल किया जाए तो इन्हें मिलते हैं 28 पॉइंट। तो इन्फर्नो और ब्लेजिगन की सेम टाइपिंग है, यानी कि इन्हें टोटल 6 पॉइंट मिलते हैं। और टोर्टेरा की 4 वीकनेस है, जिसमें एक सुपर वीकनेस है, लेकिन दो रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी के साथ इसे 4 पॉइंट मिल जाती है। यार ये टीम तो बहुत बुरी तरह हारने वाली है। अब आता है एम्फोलियन, जिसके 3 वीकनेस है और 8 रेजिस्टेंस, 2 सुपर रेजिस्टेंस और एक इम्यूनिटी है, जिसके टोटल पॉइंट होते हैं 28। ये अकेला जीत गया यार ये तो। तो इस टीम के टोटल पॉइंट होते हैं 38, यानी कि ये इजीली जीत जाती है ये पॉइंट। अब स्टार्ट होता है हमारा फाइनल राउंड, जहां हम देखेंगे अटैक्स को, यानी कि पोकेमोन के ज्यादा वैरायटी के मूव होंगे तो ज्यादा टाइपिंग के सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं। तो जो टीम ज्यादा टाइपिंग को कवर कर लेगी वही टीम विजेता बन जाएगी। तो पहले बात करते हैं होइन टीम की। होइन टीम से आ रहा है सोयर का सेप्टाइल, जिसको आते हैं ग्रास और ड्रैगन टाइप के मूव। टक्कर को आते हैं ग्राउंड फाइटिंग और वाटर टाइप के मूव, और मेयर के सिर्फ फायर टाइप के मूव आते हैं। फ्लाइंग टाइप भी इसने सीखा नहीं, फाइटिंग टाइप, जिसे नॉर्मल डैमेज देंगे फाइटिंग, फ्लाइंग, गोस्ट, यानी कि टीम अप करने के बाद भी ये 5 टाइप पे एडवांटेज नहीं रख पाते हैं। और वही सिनो की तरफ से आ रहे हैं फ्लिंट का इन्फर्नो, जिसके पास फायर फाइटिंग टाइप मूव है। बैरी के पास वाटर, स्टील और फ्लाइंग टाइप मूव है, और पोल जिसके पास डार्क, रॉक और ग्रास टाइप मूव है। इनके पास नहीं, इनके पोकेमोन के पास, थोड़ा फ्लो फ्लो में मुझे नहीं पता लगता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसे ये ऑलमोस्ट हर टाइप को कवर कर लेते हैं, सिर्फ पॉइजन, ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप को छोड़ के। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की विजेता बनती है सिनो टीम। ये पॉइंट मिलता है सिनो टीम को, यानी कि आप इस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने होइन और सिनो का एक कमाल का बैटल सोच रखा था, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा ना आने के कारण मैं नहीं कर पाया। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना हंटर का फाइनल एवोल्यूशन का नाम क्या है, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है।